हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जानना चाहते हैं कि आज के प्रयोग में क्या है? तो आइए देखते हैं। बच्चों, गुड़हल का फूल तो आप सभी ने देखा ही होगा। हाँ दीदी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फूल से हम सूचक बना सकते हैं, जिससे अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों का परीक्षण किया जा सकता है? नहीं दीदी। आज हम गुड़हल के पुष्प से सूचक तैयार करना सीखेंगे। इस परीक्षण के लिए हमें चाहिए गुड़हल के फूल की पंखुड़ियां, एक बीकर में गर्म जल, ड्रॉपर, स्टैंड के साथ चार परख नलियां जिन्हें ABCD लेबल किया हो, नींबू का रस, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, साबुन का घोल और सिरका। अम्ल और क्षारक पदार्थों को उपयोग करते हुए सावधानी अवश्य रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बीकर में गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियां ले लेते हैं। इसके बाद पंखुड़ियों के ऊपर थोड़ा गर्म जल डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। इस मिश्रण को कुछ देर के लिए इसी तरह बिना हिलाए रख देते हैं और जल के रंगीन होने की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय के बाद इस रंगीन जल को पंखुड़ियों से अलग कर लेते हैं। गुड़हल के फूल से मिला यही रंगीन जल अब हम सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक परखनली में नींबू का रस, दूसरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, तीसरी में साबुन का विलयन और आखिरी परख नली में सिरका ले लेते हैं। इसके बाद गुड़हल के फूल से तैयार किए गए सूचक की 5-5 बूंदें ड्रॉपर की सहायता से सभी परख नलियों में डाल देते हैं। परख नलियों को ध्यान पूर्वक देखते हैं और अपने प्रेक्षण को नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि गुड़हल के पुष्प से तैयार किए गए सूचक को जब हम नींबू के रस और सिरके में मिलाते हैं तो वे दोनों ही गहरा गुलाबी रंग देते हैं, जबकि
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और साबुन के घोल में सूचक को मिलाने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? गुड़हल की पंखुड़ियों में मौजूद रसायन में सूचक के गुण होते हैं। इन पंखुड़ियों को गर्म पानी में डुबाने से हल्के गुलाबी रंग का यह सूचक पानी में आकर मिल जाता है। इस पानी का उपयोग हमने सूचक की तरह किया है। हमें पता है कि नींबू का रस और सिरका प्रकृति में अम्लीय होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही विलयनों ने सूचक के साथ गुलाबी रंग दिया, तो हम कह सकते हैं कि अम्लीय पदार्थ इस सूचक के साथ गहरा गुलाबी रंग देंगे। दूसरी ओर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और साबुन का घोल प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, क्योंकि उन्होंने सूचक मिलाने पर हरा रंग दिया, इसका अर्थ है कि क्षारकीय पदार्थ इस सूचक के साथ हरा रंग देंगे। तो इस प्रयोग से हमें पता चला कि गुड़हल के पुष्प से तैयार किया गया सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा रंग देता है। तो ये था आज का प्रयोग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।